दोस्तों लखनऊ सुपर जॉइंट और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच पिछले दिनों कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया, जहां टॉस जीतकर लखनऊ सुपर जॉइंट से कप्तान केएल राहुल ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने रजत पाटीदार के शतक और दिनेश कार्तिक की तूफानी परी की बदौलत 207 रन 20 ओवर में बनाया। जवाब में लखनऊ सुपर जॉइंट 193 रन ही बना पाई। एक वक्त पर लगा था कि लखनऊ इस लक्ष्य को पा सकती है, लेकिन लगातार विकेट गिरने के बाद लखनऊ वापस नहीं आ पाई और मैच को गवा दिया। आरसीबी ने आईपीएल 2022 के एलिमेंटर मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉइंट्स को 14 रनों की मत दे दी। इसी के साथ आरसीबी क्वालिफायर 2 में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला राजस्थान रॉयल से होगा। पहली बार आईपीएल खेल रहे लखनऊ सुपर जॉइंट्स का चैंपियन बनने का सपना टूट गया और वह चौथे नंबर पर रही। लखनऊ सुपर जॉइंट्स की हार के बाद जमकर ट्रोल हुए कप्तान केएल राहुल। केएल राहुल अंत तक मैदान पर टिके रहे, लेकिन उनका साथ सिर्फ दीपक हुड्डा ने दिया। जब ये दोनों बल्लेबाज कर रहे थे तो सभी को उम्मीद थी कि लखनऊ सुपर जॉइंट्स ये मैच आसानी से जीत लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और केएल राहुल की टीम को अंत में 14 रनों से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ सुपर जॉइंट की इस हार के बाद कप्तान केएल राहुल को जमकर ट्रोल किया गया। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।